हेलो गाइस, वेल्थ एक्सरेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 20 जून 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले गाइस, अपने कल संडे को जो 5 स्विंग ट्रेड दिए थे उसके परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो उसमें पहला स्टॉक था कोकोयू कैमलिन। कोकोयू कैमलिन आपको बोला था क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी है। तो आज देखोगे तो स्टॉक ने निफ्टी में गिरावट आई, लेकिन इस स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। 120.1 के अपने 120 के ऊपर बाय बोला था, यानी कि 10 पैसे ऊपर बाय करते हैं तो 120.10 पैसे पे बाय हुआ। 123.15 पे अभी रनिंग में स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। जो टारगेट दिए वो टारगेट आप होल्ड करके रख सकते हो, आराम से ये स्टॉक 140 का टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जो टाइम पीरियड दिया वो होल्ड करके रखना पड़ेगा और जो स्टॉप लॉस दिया उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसा सोचो कि मार्केट में मैंने 140 का लेवल दिया, कल या परसों ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको जो लेवल दिया, जो टाइम पीरियड दिया, उसका आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये अपना पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक था ABFRL, यानी कि आदित्य बिरला फैशन। तो 210.6 के ऊपर बाय था, 210.5 के ऊपर अपना बाइंग लेवल है, 213.4 पे अभी रनिंग में। वो भी स्टॉक बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो चुका है, तो वो स्टॉक ने भी अपने जैसा सोचा था वैसा ही परफॉर्मेंस दिया। वेरॉक इंजीनियरिंग ने भी 327 के ऊपर बाय बोला था, 329.5 पे अभी रनिंग है। वो भी स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाएगा, तो वो भी आप होल्ड करके रख सकते हो। गाइज, अपने जो रनिंग दिया वो मतलब स्टॉक के आप एक दो जो टाइम पीरियड दिया वो टाइम पीरियड में अगर आप होल्ड करते हो तो वो भी स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाते हैं। आपको पता होगा अपने लास्ट 5-10 दिन में अपोलो टायर दिया था, TWL दिया था, बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिए थे, PD Lite दिया था। तो वो आप देखोगे तो आपको पता है कि अपने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके। IDFC दिया था लास्ट संडे, आप अगर देखोगे वीडियो, IDFC 101 के आसपास दिया था, आज का हाई देखोगे तो 110 का था। तो ये आपका पेशेंस पे जॉब होता है, यानी कि आपको वेट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो लेवल दिया वो लेवल आपको वेट करना पड़ेगा। आयशर मोटर दिया था, आपने 3564 के ऊपर बाया था, स्टॉक ऊपर भी गया था लेकिन गिरावट आ गई और 3496 के आसपास कभी क्लोज दिया है। अपना जो स्टॉप लॉस लेवल था वो ट्रिगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ, लेकिन रनिंग है तो अपने डिसिप्लिन के साथ जो स्टॉप लॉस लेवल दिया उसके साथ होल्ड रखेंगे। तो ये स्टॉक में भी कल ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है, अगर स्टॉप लॉस होता है तो इसमें से आपको एग्जिट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। टाटा कंज्यूमर बोला था कि 871 के ऊपर बाय बोला था, लेकिन स्टॉक का आज का हाई देखोगे तो 870 का ही था। तो ये होता है पावर, आपको जो लेवल दिया वो लेवल फॉलो करना है। 1 रुपये से रहेगा उसके बाद स्टॉक में गिरावट नीचे की साइड आ गई थी, इसीलिए अपना कॉल एक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि अपने जो लेवल दिया था वो लेवल के ऊपर गया ही नहीं था। तो ये अपना कल का एनालिसिस हो गया। और उसके अलावा गाइस, अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक मिलेंगे, यानी कि निफ्टी में गिरावट आएगी तो भी अपने स्टॉक इतने अच्छे होते हैं कि वो ऊपर की साइड नए हाई मारते हैं। जैसे कि एक सूर्योदय दिया था, उसके बाद वंडरला दिया था, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉक अपने दिए थे जो बहुत अच्छी रैली दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मैंने पूरा उसका मैसेज दे दिया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको चार ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो कल आप बाय कर सकते हो। पहले स्टॉक का नाम रहेगा मुंजाल शो को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर स्टॉक का नाम है मुंजाल शो, स्टॉक का नाम रहेगा। बाय करने का रीजन क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है। जैसा कि कल कोकोयू कैमलिन में देखोगे तो सेम पैटर्न बनी थी, और ये जब पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उसके बाद तो स्टॉक ये नहीं देखता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ये स्टॉक अपनी चाल अपने आप पकड़ता है और वहां से ऊपर की साइड अच्छी रैली दिखाता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है बायंड विद ADX है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जैसे कि इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक डाउन ट्रेंड लाइन आती है और एक अप ट्रेंड लाइन जाती है और दोनों के बीच में स्टॉक फंसा रहता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से नीचे से 2 घंटे में ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और स्टॉक ने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। यहाँ से देखोगे तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है और स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो स्टॉक नीचे गिर सकता है या तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है। लेकिन अपने को बाय एंड डिप विद ADX देखोगे, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो जाके आप आराम से देख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल के साथ समझाया है कि बाय एंड डिप विद ADX कितना अच्छे से काम करता है। तो ADX की वैल्यू देखो अभी भी 25 के ऊपर है, विलियम्स यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन अभी भी ऊपर है, क्रॉस नहीं किया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी भी पैरेलल चल रहा है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 आई।
तो ये सेटअप अपने को क्या बता रहा है, ये सेटअप ये बता रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसीलिए अपने क्या करेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो अपना रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाएगा और स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं किया और नीचे की साइड आ गया तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वहां पे आपका ट्रेड हो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फालतू के वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से आप बच सकते हो। तो आपको वो ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है और ऑलवेज रिवर्सल का वेट करना है, उसके बाद बाय करने का ट्राई करना है। तो अभी CMP के ना 133.7 है, तो आपको 138 के ऊपर बाय करना है, जो लेवल आपको दिख रहा है उसके ऊपर बाय करना है, 133 का स्टॉप लॉस लगाना है, ये वाला जो लो था वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 145 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन कब, अगर स्टॉक पहले 138 के ऊपर जाता है, अभी क्लोजिंग और स्टॉप लॉस लेवल नजदीक है, अगर स्टॉप लॉस के नीचे चला जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्टॉक को बाय करना 1 से 3 दिन में 145 का लेवल दिखा सकता है, लेकिन पहले 138 का लेवल क्रॉस करेगा तभी। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है कंट्रोल प्रिंट। ये स्टॉक को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट, स्टॉक का नाम है बाय एट रिवर्सल पॉइंट। तो रिवर्सल पॉइंट होता क्या है, जब भी कोई ट्रेंड लाइन जब भी डिमांड जोन के अंदर से क्रॉस होती है तो वो एरिया को क्या बोलते हैं, रिवर्सल पॉइंट बोलते हैं। तो रिवर्सल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, पहले आपको डिमांड जोन ढूंढना है। तो डिमांड जोन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको पहले सप्लाई जोन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लाई आया, यहाँ पे भी सप्लाई आया, यहाँ पे भी सप्लाई आया, और इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हो, ब्रेकआउट, क्योंकि इसने ऊपर अच्छे से क्लोज दिया है। तो आपके जब भी ब्रेकआउट कैंडल मिलती है तो उसके बाद जो सप्लाई जोन होता है वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा डिमांड जोन हो गया और अभी नीचे से ट्रेंड लाइन आनी चाहिए, उसके अंदर से क्रॉस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन कहाँ से जा रही है, डिमांड जोन के अंदर से जा रही है। तो ये एरिया को क्या बोलोगे आप, रिवर्सल पॉइंट बोलोगे। अगर स्टॉक कल समझो कि यहाँ पे नीचे गिरता है तो उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिलेगा, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, और वहां से बाउंस बैक आने के 90% चांस होते हैं, और इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी कि सस्ते में आपको स्टॉक मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये स्टॉक को आप गिरते हुए बाय कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टॉक रिवर्सल पॉइंट से 90% रिवर्स मारता ही मारता है। तो अभी कंट्रोल प्रिंट का CMP 630 है, तो आपको अभी बाय नहीं करना, स्टॉक का एक्चुअली रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 625 के आसपास है, ये जो एरिया है वहां पे आपको बाय करने का ट्राई करना है, और 615 का स्टॉप लॉस लगा के 650 का टारगेट, 1 से 10 दिन लग सकता है, लेकिन ये टारगेट आराम से अचीव हो सकते हैं। तो आपको ये स्टॉक को भी बाय करना है, लेकिन गिरावट पे बाय करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है वाबाग। वाबाग को आपको बाय करना है, उसके पीछे का अपने लॉजिक देख लेंगे। डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है वाबाग, बाय करने का रीजन कौन सा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय एंड डिप विद ADX है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यानी कि डेली चार्ट में देखोगे तो एक बार सपोर्ट आ रहा है, दूसरी बार सपोर्ट आ रहा है, तीसरी बार सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट है, पांचवी बार सपोर्ट है, और आज भी देखोगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया और डोजी कैंडल जैसा बना है। तो ये जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो वो रिवर्सल का साइन देते हैं। तो स्टॉक को जितना गिरना था वो गिर चुका है, यहाँ पे डोजी कैंडल है, यानी कि स्टॉक ऐसे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन अपने को ये सेटअप बता रहा है बाय एंड डिप विद ADX का बता रहा है। ADX की वैल्यू देखो 25 के ऊपर है, विलियम सर की वैल्यू -80 आई, यानी कि ये सेटअप अपने को ये बता रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है, अभी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अपने इसका हाई के ऊपर बाय करने का ट्राई करेंगे और इसका लो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक दोनों के बीच में ओपन होकर पहले हाई ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, अगर दोनों के बीच में ओपन होता है और लो ब्रेक करेगा तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो अभी CMP 460 के आसपास है, तो स्टॉक को बाय करना है 470 के ऊपर बाय करना है, 454 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट देखोगे तो 500 के आ सकते हैं, 1 से 3 दिन का टाइम पीरियड लग सकता है। लेकिन आपको कॉल एक्टिव कब होगा, जब स्टॉक पहले 470 के ऊपर जाएगा तभी, अगर 454 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है पहले तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल आपने ऑलरेडी ट्विटर और टेलीग्राम पे दिया हुआ, ये स्टॉक 325 लेवल के आसपास। तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल, बाय करने का रीजन क्या है, रेसिस्टम बिकम सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो रेसिस्टम बिकम सपोर्ट यानी कि स्टॉक ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फिर से ऊपर गया, रिजेक्शन मारा, फिर से यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेट किया, फाइनली एक कैंडल ने क्लोज दिया ऊपर हल्का सा, उसके बाद रिट्रेस करने नीचे आया। देखोगे तो ये डिमांड जोन हो सकता है स्टॉक का, अभी भी कंफर्मेशन के लिए ऑलवेज वेट करेंगे, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट,
तो इसका हाई ब्रेक होगा तो अपने बाय करेंगे, इसके लो के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपको कब बाय करना है, ये जो रेड कैंडल का हाई पहले ब्रेक होता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है और ऊपर नए हाई मार सकता है। तो अभी CMP कितना 337 के आसपास है, तो आपको 345 के ऊपर ही बाय करना है। 335 का स्टॉप लॉस लगा के 370 के टारगेट आ सकते हैं। 1 से 10 दिन इसमें टाइम पीरियड लग सकता है। तो इसमें देखोगे तो आपका रिस्क कितना है, सिर्फ ₹10 का रिस्क है। सामने रिवॉर्ड आपको कितना मिल रहा है, ₹25 का रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मैच हो रहा है। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन 345 के ऊपर पहले जाएगा तभी। अभी क्लोजिंग और स्टॉप लॉस नजदीक है, तो आपको वो देखना है कि स्टॉप लॉस लेवल के नीचे अगर पहले चला गया तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, फिर पूरे दिन वो स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 4 स्टॉक बताए, डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करना है। पहला स्टॉक है मुंजाल शो, जो आपको कंडीशनल बाइंग करना है। कंट्रोल प्रिंट एक ऐसा स्टॉक है जो गिरावट पे बाय करना है। वाबा को भी आपको कंडीशनल बाइंग करना है और ग्रीन पैनल को भी कंडीशनल बाइंग करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतने ही रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो गाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख सकते हो। टेलीग्राम पे आपको कुछ भी डाउट होगा तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी दिया है। और अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो भी नॉमिनल चार्ज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये सब मिलता रहेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, मोमेंटम ट्रेड मिलेंगे, स्विंग ट्रेड मिलेंगे, SIP मिलेंगी, लाइव सेशन बहुत सारा है। तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, वो भी नॉमिनल चार्ज में। तो आपको ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।